सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन कहता है, एक छात्र को परीक्षा पास करने के लिए 30% अंक लेने थे, उसने 460 अंक प्राप्त किए और पास होने के न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक लेकर आया, तो पेपर में अंक कितने थे? डिट्टो क्वेश्चन है भैया, क्या आंसर निकलेगा? 1400। लॉक कर दिए जाए? यस सर 1400 के साथ सभी जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सही है कि गलत है। मुझे भी आइडिया नहीं है बेटा, अभी करके देखेगा लग जाएगा पता। पेपर मैंने नहीं बनाया होता इसलिए मेरे को आइडिया नहीं होता। एक्सपर्ट है तो देखें, क्वेश्चन को देखें भैया। एक छात्र को परीक्षा में पास करने के लिए 30% अंक लेने थे, मगर उसने 460 अंक लिए। मतलब अब वही क्वेश्चन आ गया, जो 30% है वो पासिंग मार्क्स है। तो बंदे ने क्या किया, 460 नंबर लिए, तो 40 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि 40 नंबर ज्यादा लिए, तो यानी कि पासिंग मार्क्स निकालने तो मेरे को इसी से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया जी, 420। अच्छा, 420 जो वो पासिंग मार्क्स है, परसेंटेज में उन्होंने हमें खुद दिया हुआ 30%, तो यानी कि 30% यानी कि 420 के बराबर हो गया। पिछले वाले में वो फेल हो गया था, इसमें पास तो हुआ, 40 ज्यादा लेंगे इसलिए माइनस हुआ है, फेल होता तो प्लस करते। तो मैंने ये देखा कि मेरा 1% किसके बराबर होगा बेटा, 1% मेरा किसके बराबर होगा, तो मैंने ये 420 को, जिनको मैथ कम आता है, कमजोर है मैथ में, वो ध्यान से देखें, 30 से भाग होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भाग नहीं किया था, इसमें कर रहा हूं भाई, आपके लिए कर रहा हूं, 0 से 0 कैंसिल हो गया भाई। ये देखो 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, मुझे ये पता गया कि मेरा जो परसेंटेज में जो 1% है वो मेरा 14 के बराबर है, तो मेरे को तो 100% बनाना होता है, हर चीज 100 पर खड़ी होती है, यानी कि 100% पर खड़ी होती है, तो बेटा जी आपका 14 जो है वो भी 100 से गुणा हो जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो 1400। रीजन 1400 क्या चीज निकल रही है, टोटल निकल रही है, टोटल परसेंटेज भैया। हो सकता है कि आपको पेपर में इसके आगे भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो आप बताएं कि 30% कितना होगा या इस पेपर का 70% कितना होगा, तो आपने टोटल का 70% निकाल देना। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ओके बेटा, ऐसे निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग जैसा क्वेश्चन बन जा रहा है, पर हो सकता है ऐसे पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 980 आएगा 70%, 7 चौके 28 है ना, 7 गया 8 9 9 आ रहा था 10 नहीं आना, 3 हो गया ना वो। हाँ जी सर। आप ये बताएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया है? आया सर, आया सर। कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो, मेरा भाई गरीब भाई, बैठ का गरीब, मैं कोई बात नहीं, मैं भी गरीब, आप भी गरीब, सब गरीब यहाँ पे बैठे हैं नौकरी की तलाश में, इसीलिए बोल रहा हूँ भैया पूछ लेना, ऐसे मत चुप बैठे रहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने फेंक दिया गया है, जल्दी से ट्राई करें। कितनी हो जाएगी? 8000। जो टेक्निकल वाले हैं, क्लर्क हैं मेरे भाई, 96 जो मेरे टेक्निकल वाले भाई हैं वो याद करो मेरे को, मुझे याद करो, जब मैंने आपको ऑफलाइन में पढ़ाया था और आपको बताया था मेरे भाई कि भाई ये क्वेश्चन जो है डिट्टो किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का,
परसेंटेज से तो करेंगे नहीं हम, चक्रवृद्धि ब्याज से कर दो भाई, क्या है बोलूं कि या करोगे आप अभी? अच्छा चलो बच्चों मैं सिखा देता हूं, जिन मेरे भाइयों ने या बहनों ने नहीं निकाला हो सवाल, उनके लिए भी मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। बेटा जी इस क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ, इस गरीब इंसान की भी आप बात सुन लें ध्यान से। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं दो, कई मास्टरों के पास तीन भी हैं, मेरे पास भी है दो तीन तरीके, तो दो कोई भी आप लगा सकते हो। मेथड नंबर फाड़ू, सबसे पहले दो वर्ष के लिए निकालना हो तो मेरी बात याद रख लो 2:1 लेना है। टेक्निकल वाले लाइक करें इस बात को कि यस या नो, मैंने आपको ऐसा सिखाया है। जीडी वाले भी बोल सकते हैं मेरे भाई, मैंने आप सबको भी यही चीज सिखाई है, सिखाई कि नहीं सिखाई? हाँ जी सिखा दिए जी, आपने तो बोला नहीं। तो सबसे पहले बेटा जी यहां पर कितनी बार आया 2:1, दो बार है 2:1, ठीक है जी, मतलब एक पहला साल एक दूसरा साल। तो आप क्या करो 8000 का 10% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना आ गया बेटा बोलो, 800। फिर इसके बाद 800 का फिर से 10% निकाल लो, बोलो समझ आया कि नहीं आया? 800 का 10% निकाला, हाँ देखो तो सही, 80 रुपए आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये 800 आ गया, ये 80 आ गया, तो कितना हो गया 800 दुनी 800 को 2 से गुणा किया 1600 और ये आ गया 80, दोनों को जमा कर दो कितना हुआ 1680। आंसर मैच नहीं हुआ ना? नहीं हुआ सर। दूसरा मेथड लगा सर, इसका कोई फायदा नहीं, 8000 में ऐड होना है ना सर इसको, इसमें इसने नहीं नहीं वो मैं मेथड ही नहीं लगाया ना। दो सेकंड देना बेटा, मैं भी साथ साथ में ही तैयारी कर रहा होता हूं। अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट था बेटा, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं था जो मैं समझ के चल रहा था, मैं आपको ये थोड़ी सी चेंजिंग बता देता हूँ। ये बोला 10% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष, तो उस वजह से ये चेंज हो गया, नहीं तो इस तरीके से भी हो जाना था। सेकंड स्टेप गलत हो गया कैसे, ये आप ये बोल रहे हो मैं प्लस कर दूं? यस सर। तो फिर आपका हो गया 8800 का 10% है ना, यही बोल रहे हो ना? यस यस सर 8800। हाँ जी जी फिर प्लस कर दिए सर, फिर मैंने इसमें 888 में, हाँ सर 1680 आएगा, तो कितना हो गया 1680 तो हुआ 1680। जो सर स्टार्टिंग में जो संख्या थी ना 8000 वो भी इसमें ऐड होगी। हाँ बिल्कुल सही, हमारा क्वेश्चन ठीक चला हुआ था, हमने निकाले थे 1680 है ना बेटा, वो इसके साथ प्लस होना था, तो 1696 180।
अब लगा है टाइम तो मैं आपको कुछ और भी सिखा देता हूं कि मैंने क्या निकाला था। बेटा जी होता क्या है, थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ रहा हूं मैं, या आप सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाइए, क्योंकि टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ना ये डिफरेंट आ गया था। तो मैं इन दोनों को क्लियर कर देता हूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में फर्क क्या होता है, पर ये मैं अभी फर्क ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतने बताऊंगा मेरा टॉपिक चालू होगा तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। साधारण ब्याज जो होता है, जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में तो बैंक में जाकर हम क्या करते हैं, पैसे जमा कराते हैं। जैसे मान लो एक राजू गया था, 2000 रुपये जमा कराया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने ब्याज से, 10% ब्याज से। जब बैंक वालों ने इसको इतने टाइम के बाद जब पैसा देंगे तो मान लेते हैं कि वो कितना पैसा देंगे, वो देंगे आपका 1200 दे देते हैं, 1100 लिखूं, जो भी मर्जी लिख लो, 1110 लिख लो आप, ठीक है सर। टाइम जो एयर है वो 1 साल लिखा है कि 2 साल, 2 साल लिखे थे मैंने ये। अच्छा सर, तो वैसे 1210 बन रहा था शायद, 1210 ही बन रहा है सर। हाँ मैंने फिर लिखा, फिर आपने बीच में बोला तो मैंने इसलिए, मैंने बोला ठीक है जो भी आप बोलो, जो भी बनेगा XYZ। तो ये आपको बैंक वालों ने पैसा दिया, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ब्याज कहलाता है, यानी कि 210 रुपए जो वो हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि मैंने जो उस वक्त क्वेश्चन में निकाला था ना जी बच्चे 1680, वो भी ब्याज ही निकाला था, यानी कि जब ये जो जनसंख्या है 2 साल में कितना, मतलब कितनी आएगी, तो 1680 आएगी जी, मगर अभी हमें टोटल निकालना था ये चीज। तो ये चीज निकालने के लिए मुझे, टोटल निकालने के लिए 8000 जो हम वो प्लस करने पड़े हैं, तो इसलिए वो 9680 आंसर बन रहा था। अभी ये क्लियर हुआ बेटा कि ये क्यों हो गया सर क्लियर? नहीं नहीं सर, हो गया क्लियर, हो गया सर। किसी बच्चे को ना क्लियर हुआ हो तो दोबारा मैं समझा दूं कि क्लियर है सबको? हो गया सर क्लियर। कोई भी मुझे नहीं समझाया वो चैट में जाकर बोल, मुझे एक बार कमेंट मार दे कि मुझे समझ नहीं आया है। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो चैट में जाकर रिपीट कराए दे गुरुजी। हां जी गुरुजी, हां जी रिपीट कराए दे एक बार फिर सर। हां जी हां जी, ऐसे और तरीका कर सकते ना? नहीं नहीं, मेरे पास अभी मेथड नंबर 2 अभी चलेगा भैया, आप जो है बने रहो मेरे साथ, मैं आप एक क्वेश्चन को घुमा घुमा के करवाऊंगा। तरीका का ध्यान रखो क्वेश्चन, ओ भैया घुमा घुमा के करवाऊंगा, आप मेरे को टाइम तो दो। अभी तो मेथड नंबर 1 हुआ है, मेथड नंबर 2 अभी आएगा, मेथड नंबर 2, सवाल नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो और सीखो। एक गांव में जो है 8000 टोटल जनसंख्या है, तो कोई चक्कर नहीं है भैया, 8000 जनसंख्या तो 8000 ही आ गया। अब वो कितने साल की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं भैया 2 साल की, मैं 2 साल के लिए। अच्छा वृद्धि हो रही है कितने परसेंट की, 10% की, तो वृद्धि हो कितनी सकती थी, 100% की, इसलिए मैंने 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100, बस इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। डरने का नहीं है, डराने का है भैया, कोई चक्कर नहीं है। 11 गुणा 80, तो मल्टीप्लाई आप ठंडा पानी पी के करते रहना बेटा जी। 1680 सर, नहीं 9680। तो कहो ना समझ आया कि नहीं आया, लाइक तो कर दो थोड़ी सी बात को। आगे सर समझ, बोलो मेथड काम किया कि नहीं किया। मैं एक ही क्वेश्चन को आपको कितने मेथडों से करवा दूंगा, आपको भी आइडिया है,
मेथड नंबर एक दूसरा समझ आया बच्चों सबको? यस सर। अब मेथड नंबर तीसरा आ रहा है, मेथड नंबर तीसरा भैया, मेथड ही मेथड है, आप बोलो तो सही भैया। सर मेथड से तो सिखाओ, कितने मेथड सीखोगे? किताबें खोलोगे तो भी तो मेथड एक ही होता है ना। मैं तो भैया मेथड भी तीन बता रहा हूँ। मेथड नंबर तीसरा बेटा जी, किसी को समझ ना आया तो तीसरे को अपना लो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। ये टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट का ही लगा दो। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर ओवर हंड्रेड होल रेस्टू पावर टी, दैट्स इट। तो पी जो है वो आपका 8000 है, ये देखो ये 8000 जो जनसंख्या थी, यानी कि बंदे ने 8000 जमा करवाए पैसे। वन प्लस रेट आपका कितना हो गया 10%। कितने टाइम के लिए हो गया बेटा? 2 साल के लिए। तो 8000 ये आ गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। वन प्लस वन ओवर टेन ये 2 आ गया, यानी कि 8000 ये आ गया। तो बेटा 10 एकम 10, 10 और 1 11 बटा 10 की पावर 2, यानी कि बेटा 8000 ये आ गया। 11 को अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे बालको? सभी को समझ आ रहे हैं? देखो ये उसके ऊपर कितनी पावर है, 2 है, तो ये 2 हो गए। तो 11 ये कितने हो गए? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर से भाई बात आ गई ना बेल, 9680। तो ये आपका आंसर हो गया। आप बोलो समझ आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो अभी मुझे कि सर आप गलत फलती बता दे रहे हो, मेथड पता नहीं कितने हो गए। वो भी गलत नहीं था उस वक्त, स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो प्लस नहीं किया था तो मेरे दिमाग से निकल गया। अब आपने कौन सा मेथड अपनाया है मुझे नहीं मालूम है इन तीनों में से। सेकंड वाला सर, तीन से कर लीजिए। पर आपको कैसे लगे मेथड तीनों? बढ़िया है सर, अब बढ़िया है सर, बढ़िया। उन तरी भूल कर कोई मस्त सर मस्त। हां मुझे सीट चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए भैया। आप नौकरी लगाओगे तो मैं भी नौकरी लगूंगा। गोजी टेस्ट वर्किंग। चलो बच्चे अभी टाइम स्टॉप कर रहा हूं, टाइम इसलिए स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि जो टाइम है वो क्लोज हो चुका है। अब नई मीटिंग पर हम मैं आपको लिंक भेज रहा हूं तो आप उस पे जुड़ जाइए फटाफट, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को, मैथ को कवर करते हैं। ओके यस सर। ओके।